लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कन्नौज सीट नामांकन पर अखिलेश का नया प्लान। एक और बड़ी खबर आपको TV9 भारतवर्ष बता रहा है, जहां बता दें लखनऊ से सड़क के रास्ते सीधे कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव और नामांकन के बाद जनसभा नहीं करेंगे, लखनऊ लौट आएंगे। आपको बता दें सुब्रत पाठक के नामांकन प्लान में भी बदलाव हुआ है और अब अखिलेश से पहले नामांकन सुब्रत पाठक करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जानिए कि किस तरीके से कन्नौज को देखते हुए, कन्नौज सीट को देखते हुए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और नामांकन पर अखिलेश के नए प्लान को लेकर इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां बता दें लखनऊ से सड़क के रास्ते सीधे कन्नौज पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। तो 2024 के चुनावी समर में कन्नौज सीट पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में डिंपल यादव की हार के बाद समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता देख रही है, इसीलिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आज दोनों उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आइए सुनाते हैं आपको कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का क्या कहना है। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस से बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है, 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। और आइए आपको बताते हैं कि कन्नौज सीट पर किसका पलड़ा आखिर भारी नजर आ रहा है। देखिए कुछ ग्राफिक्स के थ्रू आपको जानकारी देते हैं। 1998 के बाद से 2014 तक यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और अब तक 5 चुनाव यहां से समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। हालांकि ये भी जान लीजिए कि कैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां से सांसद रह चुके हैं, जबकि बीजेपी 1996 में पहली बार यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी और 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हराकर सीट पर कब्जा कर लिया। इसलिए ये सीट कन्नौज और कन्नौज में बदलते इस समीकरण को देखते हुए अखिलेश का चुनावी मैदान में उतरना दिलचस्प है। और अब जल्दी से ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज सीट आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। समाजवादी पार्टी का यह गढ़ माना जाता है और जानकारी ये भी है कि यहाँ पर सबसे पहले जो सांसद थे वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1967 में जीत हुई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से थे। हालांकि 1998 में प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी के यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे और उसके बाद 1999 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण है उसी लिहाज से ये पूरे डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि मुलायम के सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यहां से उपचुनाव जीते थे। वहीं 1998 और 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा यहां पर रहा इस सीट पर। 2019 में हालांकि जीत हुई बीजेपी के सुब्रत पाठक की, डिंपल यादव को उन्होंने हराया था और कहा जा रहा है कि इस बार भी चुनावी मैदान में खुद अखिलेश यादव सुब्रत पाठक को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे रूविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या 2019 का जो नतीजा था वो इस बार बदलेगा, क्योंकि सुब्रत पाठक की सीधी चुनौती खुद अखिलेश यादव से इस बार होने वाली है? देखिए कहना तो मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कन्नौज का जो मुकाबला है वो टफ कंटेस्ट होने वाला है। मतलब सुब्रत पाठक पहले भी 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव, 2014 में और 2019 में, और दोनों बार उनके सामने डिंपल यादव थी। एक बार सुब्रत पाठक 2014 में डिंपल से हारे और 2019 में जीत गया, लेकिन दोनों ही चुनावों में देखिए तो जीत का अंतर 20,000 का था और फिर 7,000 का था। तो बड़ा मुकाबला आप एक तरफा नहीं कह सकते, बहुत कंटेस्ट होगा। पहले ये समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बदले हालात में चीजें बदली हैं और अखिलेश यादव को भी इस बात का एहसास है। जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुकाबला बहुत टफ है, और पिछले अगर देखें 1.5-2 महीने में तो अखिलेश यादव ने कई बार कन्नौज का दौरा किया, वहाँ बूथ अध्यक्षों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कई बार बैठक ली है, पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, क्योंकि वो इकलौते स्टार कैंपेनर है अपनी पार्टी के, उनको दूसरी सीटों पर भी प्रचार करना है और कन्नौज में भी ध्यान देना है। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी अखिलेश यादव को कन्नौज में घेर लेने की, लेकिन ये दोनों यानी सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हॉट सीट हो गई है यूपी की। शुक्रिया पंकज जी पूरी जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर, जहां बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा है और एमपी के मुरैना में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, साथ ही यूपी के आगरा, बरेली और शाजापुर में भी प्रधानमंत्री की रैली।
मिशन 2024 के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 को पूरा करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुरैना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुरैना के बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में चुनावी रैलियों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 1:15 बजे आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड में जनसभा करेंगे। आगरा के बाद पीएम मोदी बरेली जाएंगे, जहां 3:45 बजे बरेली के जाफराबाद में जनता को संबोधित करेंगे। बरेली से पीएम मोदी शाहजहांपुर पहुंचेंगे। पीएम शाम 4:30 बजे शाहजहांपुर के बरेली मोड़ मैदान पर जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह कानपुर देहात और लखीमपुर जाएंगे। राजनाथ सिंह सबसे पहले लखीमपुर खीरी जाएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल की चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा है। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन में पीएम पद की दावेदारी पर क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। मिशन 400 पर निकले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने एक साल एक पीएम का फॉर्मूला बनाया है, लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे, तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल एक PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, पांचवें साल पांचवा PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा, मुझे बताइए, देश बचेगा क्या? और उस बीच एक और बड़ी खबर, जहां अमेठी में लगाए जा रहे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर के बाद राजनीति गर्म है और कांग्रेस की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में तकदीर आजमा सकते हैं। इस पर एक चुनावी सभा में राहुल पर बीजेपी सांसद स्मृति ने परिवार बदलने का आरोप लगाया। जीजा हो या साला, उनसे कह दे अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने ये तंज कसा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी में लगे पोस्टर पर स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किए। खबर है कि अमेठी से राहुल की जगह इस बार रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बेलखरिया दुलारी नगर पहुंची स्मृति ईरानी ने इशारों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर कहा कि आप लोग घर के कागज छिपा लेना, क्योंकि जीजा की नजर बहुत तेज है। जब से जीजा जी की नजर पड़ी है अमेठी पे, तब से राहुल जी ने भी तय किया है कि वो आएंगे रुमाल छोड़। अब जीजा हो या साला, उनसे कह दे अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। माना जा रहा है कि राहुल इस बार केवल वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी स्मृति ईरानी ने चुटकी ली। वायनाड में नामांकन भरे हैं, वहाँ कहाँ वायनाड परिवार है। हम कहे सुरेश, लोगों को रंग बदलते देखा था, परिवार बदलते पहली बार देखा। और एक बड़ी खबर है, अमेठी रायबरेली सीट से जुड़ी हुई अपडेट मिल रही है। गांधी परिवार आज करेगा दोनों सीटों पर चर्चा। अमेठी रायबरेली से आई रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चुनाव लड़ने के फैसले पर बढ़ेगा गांधी परिवार। तो देखिए अभी मंथन चल रहा है इन दोनों सीटों को लेकर के, नाम फाइनल नहीं हुआ है कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। तो अमेठी रायबरेली पर आज फाइनल फैसले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि टीवी 9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अमेठी और रायबरेली पर आज बड़ी खबर आ सकती है। बताएंगे कि कैसे पूरी स्क्रिप्ट यहां पर तैयार की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस दोनों सीटों पर किस प्लान के तहत आगे बढ़ने की कोशिश में है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों सीटों की आज अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा को लेकर खबर बड़ी है। वहीं गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर किया जा रहा है विचार और 26 अप्रैल के बाद इस पर मुहर भी संभव है। एक हफ्ते से बताया जा रहा है कि फीडबैक लिया जा रहा है, 4 महीने से कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहे हैं और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक हो रही है। हर बैठक की रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा रही है। गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा वहां मौजूद हैं।
हालांकि कई महीनों से शर्मा जमीनी तैयारी को तो देख ही रहे हैं, बूथ लेवल पर एजेंट दोनों सीटों पर जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं उसी आधार पर ये बड़े संकेत मिल रहे थे कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में इन दोनों सीटों को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसले अब लिए जाएंगे। मंथन जारी है, वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अमेठी को लेकर। अमेठी सीट के लिए कांग्रेस ने बनाया एक बड़ा प्लान। कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर स्मृति ईरानी को घेरने की तैयारी होगी और चुनावी वादों पर एक्सपोज करने का प्लान कांग्रेस पार्टी का है। घर घर पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। देखिए अमेठी को लेकर के बड़ी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की और कहा जा रहा है कि अमेठी से जो सांसद हैं स्मृति ईरानी उन्हें एक्सपोज करने की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक और बड़ी खबर बता दें, वाराणसी में अमित शाह ने कहा कि इस बार पहले से ज्यादा बहुमत से जीत हासिल होगी। 400 पार का लक्ष्य पूरा करना है और विकास का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। कल काशी में गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मोदी जी ने देश में 400 पार का लक्ष्य दिया है। 400 पार का लक्ष्य करने का जिम्मेदारी पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं की, परंतु हम सब काशी के कार्यकर्ताओं को 400 पार के लिए चार चीजें करनी है। एक तो हमने बाकी सारी चिंता करे बगैर अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300-300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। तीसरा काम, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना, देश को समृद्ध करना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का जो काम किया है और काशी नगरी का संपूर्ण पणे विकास करने का जो काम नरेंद्र भाई ने किया है उसको घर घर तक पहुंचाना है। मोदी जी ने समग्र देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टिकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नक्सलवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पीएम मोदी ने फिर से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है। मिशन मध्य प्रदेश पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम ने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से नफरत करने का आरोप लगाया। सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में प्रबुद्धों के सम्मेलन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए और सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई अब आर्म्ड फोर्सेस तक जा पहुंची है। मुस्लिम आरक्षण के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत है।
इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया। इस बार के उसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में ये ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। इधर कलबुर्गी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर्स से भावनात्मक अपील की। खड़गे के दामाद राधा कृष्ण डोडामणि के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। ये वोट यावदे रीति तपबारदु तप्पिद्रे नानु तिळ्कोळ्तीनि ननगे इल्लि स्थान इल्ल अथवा निम्म हृदयदल्लि अथवा निम्म हृदय गेल्लक्के ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 81 ವರ್ಷೀಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನೇ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ಮೇ ಏಕ್ ಚುನಾವಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮೇ ವೋಟರ್ ಕೆ ದಿಲ್ ಪರ್ ದಸ್ತಕ್ ದಿ. दरअसल कांग्रेस ने खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोडामणि को बीजेपी के मौजूदा सांसद उमेश यादव के खिलाफ कुलबर्गी से मैदान में उतारा है। डोडामणि के लिए वो वोट मांगने पहुंचे थे। रिटायरमेंट को लेकर भी उन्होंने रैली में अपनी बात रखी। देश संविधान देश प्रजाप्रभुत्व उड़सकोस्कर ननी उसीरवरी मे को उसीरवरी होराट नड़े नमु रिटायर आगोद रिटायर नहीं पोजिशन रिटायर एलेक्षन आत्वदर ऐन होराट इतरी निम् तत्व और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। अजमल ने और क्या क्या कहा सुनिए। असम में एक बार फिर मदरसे का मुद्दा गरमाता जा रहा है। हेमंता सरकार द्वारा बंद किए मदरसों को फिर से खोलने की बात हो रही है। AIUDF प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। बदरुद्दीन अजमल ने CAA के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह मुद्दा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। कोई गरमाया हुआ नहीं है, CAA का काफी है। जैसे इलेक्शन खत्म, CAA भी खत्म। अजमल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का सपना कभी सफल नहीं होगा। मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, NDA बहुत नीचे आएगी। आपको बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर वोटिंग हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पहले चरण की वोटिंग के बाद कह चुके हैं कि बीजेपी यहां 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। असम की बाकी बची 9 सीटों पर अगले 2 चरणों में वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कठेरिया की पत्नी मृदुला कठेरिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। इटावा लोकसभा सीट की गिनती VIP सीटों में होती है। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में बीजेपी ने 2014 में सेंधमारी की थी, उसके बाद से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। इस बार बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान सांसद रामशंकर कठेरिया को ही टिकट दिया है, लेकिन अब यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ उनकी पत्नी मैदान में उतर गई हैं। मृदुला कठेरिया ने पति के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मृदुला कठेरिया ने यहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया है। वो कह रही हैं कि वो नामांकन वापस नहीं लेंगी। वापस लेंगी नहीं, वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। मृदुला ने कहा कि ये जनतंत्र है, यहां सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पति के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी मृदुला कठेरिया ने कहा कि सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है, इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को एक वीडियो संदेश में लुंगी में देखे जाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एतराज जताया और उसके बाद ओडिशा की राजनीति में लुंगी बनाम धोती की बहस छिड़ गई है।
जोड़ी शंख। ओडिशा की सियासत में लुंगी बनाम धोती की बहस उस समय शुरू हो गई जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश में लुंगी पहने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर तंज कसा। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राज्य की संस्कृति धोती है न कि लुंगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पटनायक ने एक वीडियो संदेश में लोगों से एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह शंख के लिए वोट करने का आग्रह किया। इस दौरान पटनायक गहरे लाल रंग की लुंगी और सफेद टी शर्ट पहने हुए दिखे। बताया जाता है कि ये वीडियो बीजू जनता दल ने सोमवार रात जारी किया। हालांकि प्रधान ने झारसुगुड़ा जिले से लाइकेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पटनायक के पहनावे का मजाक उड़ाया। कहा कि आप सभी लोगों ने हमारे नवीन बाबू जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें लुंगी पहनकर हाथ में जोड़ा शंख लिए देखा है, लेकिन बीजू जनता दल के नेता उन्हें लुंगी की अहमियत बताते हुए कहा कि इसके प्रचार से संबलपुर के बुनकरों को फायदा होगा। प्रधान ने इसके जवाब में अपने चुनाव प्रचार के दौरान धोती और कुर्ता पहनकर संबलपुर लोकसभा सीट के अतमल्ले के इलाके का दौरा किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। गहलोत पर बागी नेताओं के फोन टैप करने का आरोप लगा है। गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का यह दावा है, पायलट समेत कई बागी नेता सर्विलांस पर थे और सीएम रहते हुए गहलोत ने फोन टैप कराए, लोकेश शर्मा का ये आरोप है। देखिए, अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने कई बड़े आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत के ऊपर। वो कहते हैं कि बागी हो चुके नेताओं के फोन टैप करवाए थे अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए कि किस तरह से खरीद फरोख की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और उस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बता दें ईरान से तनाव के बीच ब्लिंकन का चीन दौरा और अचानक चीन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव बताई जा रही है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां जैसा कि आपको बताया कि ईरान से तनाव के बीच ब्लिंकन का ये चीन का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक चीन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री, बड़ी खबर यही है कि चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। And of course, we'll be dealing with areas where we have real differences with China. Dealing with them directly, communicating clearly, face-to-face diplomacy matters. It's important for avoiding miscommunications, misperceptions, and to advance the interests of the American people. तो ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। जरा समझिए, ईरान को चीन और रूस की शह है, जिससे उसकी ताकत तीन गुना बढ़ जाती है और ये सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान को मिली इस शह का असर मिडिल ईस्ट के में भी तनाव के रूप में हो रहा है और अब अमेरिका को ये उम्मीद है कि चीन इस मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे करेगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग में चीन ईरानी खेमे में खड़ा है। ये अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाली बात है और चीन को रोकना बेहद जरूरी है। इसलिए माना यह जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में अंदर खाने कोई बड़ी डील हो सकती है। और अब बात उस युद्ध की जिसकी तैयारी भारत कर रहा है और देश के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वो बयान दिया है जो चीन और पाकिस्तान को अब सोने नहीं देगा। देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहले भी दोहरा चुके हैं, ये नया भारत है। नया भारत घर में घुसकर मारता है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कह दिया है कि दुनिया में बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के बीच देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएगा, भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं एक दिन पहले भारत ने एक बार फिर अपना रक्षा संकल्प दोहराया है। भारत ने हवा से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया है टेस्ट और इससे भारत बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकेगा।
इसके साथ ही भारतीय सेना के शूरवीरों को सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है, जिसे स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं भेज सकी हैं। घाटी में भारतीय सेना आतंक के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दे रही है, जिसमें महिला जवान शामिल हैं। और पहले देश के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का वो बयान आप सुनिए, जिसमें भारत की रक्षा शक्ति की बात कर रहे हैं। The current geostrategic landscape is characterized by change taking place at unprecedented scale and speed. Recent geopolitical power plays have displayed that national interests, as far as they are concerned, countries will not hesitate to go to war. और देश के आर्मी चीफ का यही भरोसा, यही आत्मविश्वास भारतीय फौज की सबसे बड़ी ताकत है, और इसकी वजह है भारत डिफेंस सेक्टर में कीर्तिमान गढ़ रहा है। एक दिन पहले ही भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है जो चीन और पाकिस्तान के नजरिए से बेहद अहम है। सिर्फ एक दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप के आसमान में जबरदस्त हलचल मची। भारत के सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट ने उड़ान भरी और फिर हवा को चीरती हुई एक मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया। देश चुनावी माहौल में डूबा है, लेकिन भारतीय फौज अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने में लगी है। भारत ने क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इसराइल के इस मिसाइल को रॉक्स भी बुलाते हैं। ये मिसाइल मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रही है। पूरा उत्तरी पाकिस्तान इस मिसाइल के जद में आ सकता है। LAC से ये मिसाइल चीन के कई ठिकानों को टारगेट कर सकती है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान होंगे, उसे इस मैप से समझिए। जम्मू कश्मीर के उरी से बालाकोट की दूरी 81 किलोमीटर है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल से बालाकोट 50 किलोमीटर दूर है। 2019 में एयर स्ट्राइक के वक्त भारत के फाइटर जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना पड़ा था। तब आतंकियों के अड्डों पर जबरदस्त अटैक हुआ था, लेकिन क्रिस्टल मेज 2 की रेंज 250 किलोमीटर है। यानी अगर भविष्य में कभी भारत को बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक करना पड़ा तो भारत के फाइटर जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा वक्त में भारत की बैलिस्टिक मिसाइल कितना काम आ सकती है, उसे आप रूस यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पिछले करीब 2 साल से रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन के ठिकानों पर इसी तरह एयर लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। अपने इलाके में ही उड़ान भरते हुए बिना बॉर्डर पार किए वो इस तरह के मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों को दहला रहे हैं। ऐसे में भारत की बैलिस्टिक मिसाइल भी दुश्मन पर उसी तरह कहर ढा सकती है। इसकी खासियत भी जान लीजिए। ये मिसाइल फाइटर जेट और बॉम्बर से लॉन्च हो सकती है। किसी फिक्स साइट पर न होने से दुश्मन के लिए लोकेट कर पाना मुश्किल है। बेहद ऊंचाई पर होने से दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। यानी भारत का ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकता है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया और इसे डेडली कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की नजर में भारत के इस कॉम्बिनेशन का दुश्मन के पास कोई तोड़ नहीं है। और आगे जानकारी ये भी है कि क्रिस्टल मेज 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जबकि सुखोई 30 MKI 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। अब क्रिस्टल मेज 2 की रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है। हालांकि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का वजन जान लीजिए 1360 किलोग्राम और सुखोई 30 MKI का वजन 18400 किलोग्राम। और इसी तरीके से आगे कंपैरिजन में बढ़े तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की लंबाई है 15 फीट, जबकि फाइटर जेट की लंबाई है 72 फीट। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के विंग स्पैन 6.6 फीट लंबे हैं, जबकि सुखोई के विंग स्पैन की लंबाई है 48 फीट। और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के वॉरहेड का वजन 340 किलोग्राम है, जबकि सुखोई 30 MKI की उड़ान क्षमता 57,000 फीट है। अब क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल मोटी दीवारों वाले बंकर उड़ाने में भी माहिर बताई जाती है, जबकि सुखोई की रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की है।